एक एकड़ की बात है ना, मैं कितनों एकड़ जमीन खरीद हूँ वो मुखिया में दम है। कल है, कल तुम मेरे पास आना, जितना पैसा चाहिएगा सब लेकर जाना और जमीन मेरे नाम कर देना। मुखिया जी, कल आपसे फिर मिलूंगा, नमस्ते। ठीक। हेलो। हाँ बीजो साहब, अरे क्या हुआ, वो कह रहे थे कि सड़क पास हो गई है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक 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 है, बताइएगा। ओके सर। नमस्ते पिताजी। और ठीक है, बताओ कहाँ घूम रहे हो तुम लोग? बस ऐसे ही गए थे दोस्त के साथ घूमने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फोन आया था बीडियो साहब का। बीडियो साहब का? हाँ भाई, कुछ बात हो रही थी सड़क की। जी जी, मतलब मरम्मत वगैरह जो भी कराना हो। जी, कोई बात हो रहा था। फाइनल हो गई डील? ओ फाइनल हो गया। चलिए अच्छी बात है। ठीक ठीक। पिताजी बोलिए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कौन सी बात है बताओ? मुझे वो सूरा की जमीन बहुत पसंद है। अच्छा, सूरदास वाली जमीन? जी। क्या करोगे उस पर? मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। अच्छा फैक्ट्री? जी। तो क्या हुआ, जा करके देखो, सूरदास को चकमा दो। जी। उससे कह दो कि सूरदास तुम्हारा आवास आया है और तुम कागज लेकर के जाना, उसी पे दस्तखत करवा लो उसका, वैसे ही नाम तुम्हारे हो जाएगी जमीन वो। जी पिताजी। ठीक जी, बस यही तरकीब करिए, जाइए वहाँ सूरदास के पास। जी अभी जाता हूँ। हाँ जाओ, इसे कह दो कि अंगूठा दस्तखत कर दो। जी पिताजी। जमीन हम लोग हथिया लेंगे। जी जाओ। कौन सा खुशखबरी है बेटा? आपके नाम से आवास आया है। आवास आया है तो ठीक है बेटा। यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए। किस लिए बेटा? ये जो आपका आवास आया है उसी के लिए। ठीक है। तो चलते हैं, बाकी का काम आगे करें। ठीक है बेटा, चलो। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारी हम उम्र 100 साल हो बेटा। और सब ठीक है? ठीक है। हाँ खा रहा हूँ बेटा। हाँ बाबू। मुखिया जी का लड़का आया था। अच्छा। वह कह रहा था कि तुम्हारे नाम से आवास पास है। हमारे नाम से आवास? हाँ, तो अपना भी घर बन जाएगा। इतना सा तो मुखिया जी भी करना चाहता है। ठीक है बाबूजी, मैं भी पता कर लेता हूँ ये लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं। हेलो। हाँ नमस्ते बेटे साहब, वो हमारे पिताजी जो हैं सूरदास जी। हाँ, सूरदास के नाम से कोई आवास अलाट हुआ है? जी। अच्छा अच्छा, नहीं वो मुखिया जी तो कह रहे थे कि आपके पिताजी के नाम से आवास है, वही मैं पता करना चाह रहा था। ठीक है। ठीक है, नमस्ते सर। बाबूजी ऐसे तो कोई बात नहीं, आपके नाम से कोई आवास नहीं है। तो मुखिया जी का लड़का मेरे से अंगूठा दस्तखत करवा के ले गया है। अच्छा। हाँ, इसका मतलब आपके साथ हमारे साथ धोखा किया उसने? हो सकता है भाई, मुझे तो मालूम नहीं।
क्योंकि मैं उस कमीने को अच्छी तरीके से जानता हूँ। उसकी नजर सिर्फ हमारे सड़क वाले जमीन पर है, उसी के सिलसिले में आपके पास आया होगा। मुझे क्या मालूम। ठीक है, मैं देखता हूँ उसे। मुखिया जी, विकास आपके पास प्रूफ मांगने आया है। जी, प्रूफ मांगने आ रहा है तो क्या हुआ? प्रूफ मांगने आ रहा है तो आने दो। अरे प्रूफ देना तो मैं जानता हूँ, समझे? ए मुखिया, जो आपने फर्जी कागजात पे जो दस्तखत करवाए हैं वो प्रूफ मुझे चाहिए, वरना अंजाम पूरा होगा। मुखिया के सामने जो भी नजर उठा कर देखता है मैं उसकी आंखें नोच लेता हूँ, समझे? बंटी, डाल दे हर चीज कुत्ते के सामने। इसको बंटी से पंगा लेगा, इतनी औकात। आज के बाद अगर मेरे बाबूजी के ऊपर आंख उठा के देखा तो तेरे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। चल भाई, चल। देख बंटी, जी पिताजी, तू एक काम कर, तू एक काम कर। उसकी हिम्मत कैसे उसके लड़के की, जो मुखिया जी के दरवाजे पर चढ़कर आ गया? तुम तत्काल जाकर के सुदास को पकड़ कर ला करके उसे बंधा बना। जाओ। कौन? तेरी मौत। उठा इस बुड्ढे को। बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे यार, कहाँ चले गए? बाबूजी, बाबूजी वहां पे देखो, बाबू कहाँ चले गए यार? वहाँ भी नहीं है, लगता है वो खेत पर गए हुए हैं। कोई लगता भी नहीं दिखाई दे रहा है, किससे पूछूं? अच्छा हुआ है। विशाल, इधर आ बाबू। तो बाबू जी कहाँ गए? कुछ लोग आए थे, दादाजी को उठा कर ले गए। कब आए थे? वो जरूर साली उस बंटी की चाल है, आज वो कमीना मेरे हाथ से ही बचेगा। चलो। क्या बोल रहा था? मुखिया के विषय में। मुखिया पतला दुबला है, मिर्चे को कभी पतला नहीं देखा जाता, उसको तीखा देखा जाता है, समझे? विकास, अगर तू अपने बाप को बचाना चाहता है तो आ जा हमारे अड्डे पे। आ रहा है पिताजी। ठीक है, आने दो हरामजादे को, देखता हूँ। आज उसके बाप के साथ साथ उसको भी मार के दफन कर देंगे। एकदम। बहुत खराब जादे।
चलो विकास, तुम्हारी जमीन का पेपर और माफ कर दो हम लोग को। आज के बाद आइंदा किसी गांव वाले के साथ किसी गरीब को सताया तो जा।